और आज की जो वीडियो श्रृंखला में हम देखेंगे व्हाई शुड आई इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। फ्रेंड्स, मैंने जब स्कूलिंग पास किया, स्कूलिंग पास करने के बाद मैंने ये होम्योपैथिक ज्वाइन किया। सबसे पहले मैंने होम्योपैथिक में ग्रेजुएशन किया, उसकी डिग्री BHMS है। ये 4.5 साल तक पढ़ाया जाता है, बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होता है, बाद में MD का कोर्स होता है, ये 3 साल तक चलता है, उसको MD होम्योपैथिक्स ऐसा डिग्री दिया जाता है। मित्रों, जब मेरे पढ़ाई पूरी करने से अभी तक की 35 साल की उम्र में मैंने प्योरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस किया है, और ये प्रैक्टिस में मैंने देखा है, नंबर ऑफ पेशेंट देखा है, और पेशेंट को अभी मेरी दवा से, ट्रीटमेंट से 50-60% लोगों को अच्छा हुआ है और ये पेशेंट क्योर हुआ है। मित्रों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन इज ए बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। मैंने अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखा है, और ये होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ये जो दवा होती है ये स्वीट होती है, और बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं, और वीमेन भी ले। बनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि मैंने होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे डेवलपमेंट किया है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये होम्योपैथी के लिए मैंने बहुत बुक्स लिखा है, मैं आपको एक बुक्स बताता हूँ 1 by 1। ये सबसे पहले बोरिक मटेरिया मेडिका है, ये विलियम बोरिक्स मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर हर्षद रावल है। ये 1500 पेज की बुक्स है, और ये बुक्स का जो रिव्यू है हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और ये हमारे जो गवर्नर है ये नवल किशोर शर्मा जी ने पढ़ उसका रिव्यू लिखा है। मित्रों, ये देख सकते हैं, ये 1500 पाना की बुक्स है, और मेरे को ये लिखने में लगभग 6 ईयर हो गए थे। ये लिखने का यही तात्पर्य था कि ये जो स्टूडेंट है ये इजी रीते पढ़े और समझ सके, तो उसको एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रॉपरली दे आ सकता है। दूसरा मित्रों, मैंने दूसरी बुक्स लिखा है, ये ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ये भी होम्योपैथिक बुक्स है, उसका भी प्रीफेस हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो PM सर है उन्होंने भी लिखा है, और नवल किशोर शर्मा जी उस टाइम जो गवर्नर ऑफ गुजरात थे, और मैं भी पैनल में गवर्नर ऑफ गुजरात था, तो उस टाइम की उन्होंने प्रीफेस लिखा है, ये स्टूडेंट के लिए लिखा है, उसका ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन है। और ये जो बुक्स मैंने होम्योपैथिक में गुजराती ट्रांसलेट किया है, और उसका जो है बी जैन इन कंपनी ने उसको पब्लिश किया है। ये बुक अभी तक 20,000 से, ये जो सारी बुक्स है 20,000 से 25,000 बुक्स अभी तक पब्लिश हुई है, और सारे वर्ल्ड में उसका बहुत डिमांड है, और एक कैटेगरी में होम्योपैथी के बुक्स में एक कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छा बाइंडिंग किया है, और उसका कॉस्ट लो कॉस्ट है, और वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट के लिए है। तीसरी बुक मैंने मेरे जीवन काल में ये एलेंस की नोट लिखा है, स्टूडेंट के लिए लिखा है, इसका कोई ये जो बुक्स है ये भी जैन कंपनी ने दिल्ली न्यू दिल्ली ने पब्लिश किया है, सारा वर्ल्ड में यूज होता है, ये भी 20,000 से 25,000 अभी तक ये जो नकल बिकी गई है, स्टूडेंट के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, और इसे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और इसको अच्छी तरह जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्राब करते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन उनके लिए बहुत इजी रहता है, ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखा है। मित्रों, कॉमन लोगों के लिए मैंने अनेक रोगों की होम्योपैथिक सारवार भी लिखा है, इसमें भी मैंने कॉमन रोगों के लिए मैंने लगभग 150 से 200 रोग के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा लेने का, कौन सी नहीं लेने का, ये भी मैंने ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है। तो कॉमन लोग भी ये बुक्स अनेक रोगों की होम्योपैथिक सारवार है, इसकी नवभारत टाइम्स नवभारत प्रकाशन अहमदाबाद में पब्लिश किया है, अभी तक 50,000 से ज़्यादा बुक्स का सेलिंग हुआ है, और वेरी पॉपुलर है ये गुजराती होम्योपैथिक बुक्स में, तो आप गुजरात में तो ले सकते हैं, पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इसका वेरी मच इफेक्टिव है। मित्रों, ये आप देख सकते हैं कि मैंने और दो बुक्स भी लिखा है कॉमन के लिए, बालों के लिए, क्योंकि मेरे 35 साल की उम्र में लेडीज़ को बालों का बहुत ही सारा प्रॉब्लम रहता था, और इसके लिए भी मैंने ये जो बुक्स बनाए बताई है बालों की होम्योपैथिक मेडिसिन, आप मेरे ये जो बुक्स का लिस्ट में भी देख सकते हैं। दूसरा, किडनी एंड कैंसर के बारे में भी मैंने जो बुक्स लिखा है, ये संक्षिप्त में है, छोटी बुक्स है, पर वेरी मच इफेक्टिव है, ये आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन या नवप्रकाश प्रकाशन के बुक स्टोर में, और उसके साइड में, और आपका कोई भी क्रॉसवर्ड
जो भी आपके सिटी में है तो वहीं से भी बाय करके आप होम्योपैथी के बारे में, जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, किडनी वाले पेशेंट होते हैं, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना, इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक किया है। तो ये क्या है कि ये बुक्स लिखने का मेरा तात्पर्य यही था कि जो भी स्टूडेंट हुए ये इजी समझ सके और जो होम्योपैथी उसको लिए ग्राह्य करें और उसको मोटिवेशंस मिले। कई बार हमारा जो कोर्स होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, पर ये बुक्स पढ़ने से उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है और वे मिलता है। मित्रों, मेरे 35 साल की उम्र में मैंने 20 साल तक गवर्नर ऑफ गुजरात की सेवा किया है। मैंने 2000 में सबसे पहले जो हमारे जो गवर्नर थे 2000 में श्री कैलाशपति मिश्रा, उनका मैं डॉक्टर रहा हूँ। बाद में 4 साल के बाद हमारे गुजरात में श्री नवल किशोर शर्मा जी आए थे जो गवर्नर बने, उनकी भी मैंने सेवा किया है। बाद में 2008-09 में डॉक्टर श्री कमला बेनीवाल जो हमारे गवर्नर थे, उनका भी मैं पैनल ऑफ डॉक्टर रहा हूँ। अभी श्री ओपी कोहली सर है जो गवर्नर ऑफ गुजरात है चालू, इसमें भी मैं उनकी सेवा करता हूँ एज अ होम्योपैथ तरीके, और मैं उनको सेवा देता हूँ। मित्रों, मेरे जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस के अनुभव मैंने मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, मेरी वेबसाइट है तो जो मेरी वेबसाइट है homeopathyonline.in, इसमें भी इसी तरह मैंने अनेक रोगों के लिए संक्षिप्त किया है। दूसरी मेरी वेबसाइट है जो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत फेमस है, ये oligospermiatreatment.com है। तीसरी मेरा ब्लॉग है डॉक्टर हर्षद रावल, ये ब्लॉग भी वेरी पॉपुलर है, इसमें भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स इंग्लिश में पब्लिश किया है, लोगों उसको नॉलेज अपडेशन कर सकते हैं। होम्योपैथी में कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सी दवा इफेक्टिव है, इसमें मैंने वर्णन किया है। मित्रों, मेरा ये YouTube चैनल भी है, अभी मैंने लास्टली YouTube चैनल चालू किया है, इसमें मेरा अलग अलग वीडियो मैंने पब्लिश किया है। इसका नाम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट - डॉक्टर हर्षद रावल MD। आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको जब भी आप उसमें सब्सक्राइब के साथ ये बेल आइकन भी प्रेस करोगे तो आपको जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप होम्योपैथ के बारे में इजी वे जानने के में हमारी कोशिश होती है, क्योंकि इसमें लेमन पीपल भी जाने ऐसा हमारा वीडियो होता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारे ये भी किया है, मैंने प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल लिखा है। अभी तक मैंने 25 साल तक गुजरात समाचार में 2100 जितना आर्टिकल पब्लिश किया था, और ये भी गुजराती में, जैसे यहाँ गुजरात के लोग अच्छी तरह जाने और यूज़ करें होम्योपैथी, और उसके लिए होम्योपैथी का डेवलपमेंट के लिए मैंने सब कुछ किया है और होम्योपैथ लोग इजी वे में जाने, ऐसा मेरा आर्टिकल था और ये पब्लिश किया था। मेरे जीवन काल में मैंने कई सारे टीवी प्रोग्राम भी होम्योपैथिक में दिया है और बहुत पॉपुलर ये होम्योपैथिक प्रोग्राम रहा है, और लोगों को होम्योपैथिक के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना क्या नहीं करना इसमें मैंने एक सब कुछ बताया है। मित्रों, मेरे 35 साल की उम्र में ये होम्योपैथिक साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, तो मैंने मेरे को वर्ल्ड वाइड लोगों ने बुलाया है। मैं अभी तक 102 कंट्री में लेक्चर लेने को गया हूँ, जीवन जीवनी कला ऊपर मैंने लेक्चर दिया है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देता हूँ। इंडिया में भी लोग बुलाते हैं तो मेरा आपको अबाउट अस में जाके कॉन्टैक्ट लेके आपको भी आपके शहर में भी जो मेरा वीडियो का और मेरा लेक्चर्स का आपको अरेंजमेंट करने का हो, मैं कोई चार्ज लेता नहीं हूँ, आप मेरे को वेलकम करो। मेरा जब भी फ्री होता हूँ तब आप मैं आपके वहीं आके जीवन जीवनी कला ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ लोगों को होम्योपैथिक में इजी वे हाउ टू क्योर इज योर सेल्फ, इसके लिए मैं बारे में लोगों को एजुकेट करता हूँ। मित्रों, ये करने का मेरा वही एक ही उद्देश्य था कि होम्योपैथिक साइंस उसका डेवलपमेंट हुए, ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और क्रॉनिक डिजीज में जो लोग बहुत बेचारे पीड़ाते हैं तो उसको होम्योपैथिक राहत मिले। अभी जो भी सारी जो चिकित्सा पद्धति है इसमें होम्योपैथिक क्योरिंग रेट 30-60% है। तो जब भी आप होम्योपैथ के पास जाओ, डिटेल हिस्ट्री आप हो, थोड़ा वक्त दो, टाइम दो, तो आपको शॉर्ट ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्पफुल बनेगा। मित्रों, यही मेरा इंट्रोडक्शन करने का वही कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था, क्योंकि जो मैंने होम्योपैथी के लिए कॉमन लोगों को भी समझने के लिए बुक्स लिखा है, आर्टिकल लिखा है, मेरे वेबसाइट में भी लोगों को मैंने इनविटेशन किया है, मेरे सारे बहुत सारे पेशेंट हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, सब लोग एंजॉय करते हैं और हैप्पी है ये होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और जब भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो तो जब टाइम टू टाइम हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको ये वीडियो आपको आपको अलर्ट मिलेगा, तो आपको वीडियो के लिए जानकारी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।